कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टिकरण के नजरिए से ही लिखवाया है। और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शहजादे को पता है क्या मैसूरू राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा? मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता? साथियों, कांग्रेस के शहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टिकरण के लिए दिया गया बयान।